नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं महोबा की कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय बुंदेलखंड भ्रमण कार्यक्रम पर आते ही महोबा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि बीते 13 फरवरी 2021 की रात वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश पाठक ने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मृतक अधिवक्ता के पास से सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसके आधार पर मृतक के बेटे की तहरीर पर कबरई ब्लॉक प्रमुख एवं प्रसपा प्रदेश महासचिव चौधरी छत्रपाल यादव समेत 7 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। बाद में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। जिला मजिस्ट्रेट महोबा सत्येंद्र कुमार द्वारा 14(1) के तहत की कार्यवाही की गई। सोमवार 8 फरवरी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के क्रम में आज उप जिला मजिस्ट्रेट सदर राजेश कुमार यादव, सीओ सदर राम प्रवेश राय, सदर कोतवाली ने भारी पुलिस बल और गाजेबाजी से कबरई ब्लॉक प्रमुख प्रसपा नेता चौधरी छत्रपाल यादव, उनकी सास पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत ज्ञान देवी व पत्नी सदस्य जिला पंचायत नीरज यादव तथा भतीजे विक्रम सिंह की चल अचल संपत्ति कुकर की है, जिसमें आलिशान होटल, क्रेशर आदि करोड़ों की संपत्ति शामिल है। महोबा से संवाददाता रिंकू खान की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्की की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में की जा रही है, निष्पादन किया जा रहा है। इसके क्रम में ये बरातशाला और होटल, इसके साथ साथ जो आदेश में संपत्तियों का जिक्र है, उन्हीं सारी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने करोड़ की संपत्ति है इसमें? कई संपत्तियों का उल्लेख है, 1x1 इसमें टोटल वैल्यूएशन दी गई है। तो इस आधार पर मैं बता, इसमें वो बता नहीं जा सकता कितनी है, लेकिन नीरज यादव के खिलाफ 15 प्रॉपर्टी हैं और अभियुक्त विक्रम सिंह के खिलाफ 1 प्रॉपर्टी, और छत्रपाल की सास ज्ञान देवी के 13 प्रॉपर्टी और अचल प्रॉपर्टी छत्रपाल की 9 और चल संपत्ति छत्रपाल की 1, जिसमें फॉर्चुनर कार, अल्टो कार और स्प्लेंडर मोटर साइकिल सम्मिलित है।